करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने 7 विधायकों के खिलाफ निलंबन का आदेश दे दिया, जिसके बाद विधायकों ने बसपा के कोऑर्डिनेटर्स के सहारे बसपा पर निशाना साधा। बसपा में जारी बगावत को लेकर बसपा सुप्रीमो की तरफ से की गई कार्रवाई तक एबीपी गंगा ने हर खबर को आप तक पहुंचाया था। 7 विधायकों के निलंबन के बाद एबीपी गंगा ने उन विधायकों से बात की। इस दौरान इस कार्रवाई को लेकर बागी विधायक मोहम्मद असलम रायनी ने बसपा की कोऑर्डिनेटर्स पर हमला बोला। ने बगावत तो नहीं किया, हम लोगों ने एक सुझाव, पांचों सातों विधायकों ने एक सुझाव दिया था और आज माननीय बहन जी का विशेषाधिकार है, अगर उन्होंने हमको निलंबित किया है तो उसका मैं स्वागत करता हूं और जब निष्कासित करेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। अरे अब क्या बचा असलम रायनी साहब, उन्होंने कहा कि बागियों से बदला लिया जाएगा। बसपा सुप्रीमो आज बहुत तल्ख थी, कहा आप लोगों ने छुरा भोंका है। उनसे कह दो कि गमो रंज पैदा ना करें, उनसे कह दो कि गमो रंज पैदा ना करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौंदा मत करें। तो ये किसके लिए है? ये माननीय बहन जी के लिए है कि हम लोग ओबीसी और पिछड़े समाज और दलित समाज से विधायक आते हैं, हम लोगों ने बहन जी को एक सुझाव दिया था कि उनके कोऑर्डिनेटर अपमानित करने का काम करते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर का व्यवहार अच्छा नहीं है, उनको सुझाव देने पर अगर मुझको निलंबित किया गया, मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूं, ना किसी भी नेता से मिला हूं, अगर मुझको वो निष्कासित करती हैं, इसलिए मैंने कहा कि गम और भी है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और जवानी का लुत्फ क्या जब हर काम में मातम ना हो। इस दौरान असलम रायनी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो संत ही नहीं बल्कि बहुत कुछ हैं, उन्होंने जो मुझे पुनर्जीवन दान दिया है, वेदांता पहुंचाने का काम किया है, बहुत कुछ के मतलब कि अगर वो संत होने के साथ साथ में पूरे विश्व में वो एक तरीके से उनके ऊपर एक सिद्धि है कि अगर वो किसी के सर पर और किसी के पीठ पर अगर हाथ रख दें तो बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा। वो केवल इस प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि एक संत हैं। मैं उनका सम्मान पीठ पर सर पे हाथ रखा कि नहीं? उनके बिल्कुल रखा, उन्होंने मेरे सर पर भी हाथ रखा और उन्होंने बगावत उसी का नतीजा है। नहीं, सिर्फ पीछे योगी आदित्यनाथ हैं। केवल वो एक वीडियो मेरा वायरल हो जाना कि वेदांता में मैंने माननीय योगी जी की जो तारीफ की, उसका नतीजा है कि माननीय बहन जी ने मुझको निलंबित कर दिया और आज बहन जी उन्हीं से मिलती हैं। तो मैं कहता हूं कि जनता इसका फैसला करेगी कि जिस मंत्री ने हमको 27 अगस्त को वेदांता पहुंचाया, अगर मुझको वेदांता न पहुंचाते तो शायद आज मैं जीवन आपके सामने ये बाइट न देता, शायद आज मैं ऊपर चला गया होता। माननीय योगी जी का मैं पूरा परिवार, पूरा विधानसभा, पूरा जनपद, कोट कोट उनको धन्यवाद देता। नहीं, मायावती का रुख भी योगी आदित्यनाथ भाजपा को लेके नरम है, तो फिर आपको ये सजा क्यों? ये तो उनसे आप पूछें कि कम भाई, इससे पहले भी मैं 27 और सितंबर में एक वीडियो माननीय योगी जी के फेवर में डाला था, तो कम से कम उनको मेरा वीडियो देख करके तो मुझको कम से कम धन्यवाद देना चाहिए। जो बात मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली थी, उसी बात को बसपा के बागी विधायक हाकिम लाल बिंद ने दोहरा दिया। बात ये कि बसपा के नए दोस्त की तलाश का अवसान होने वाला है और हमारे क्षेत्र की जनता ने हमको सिर्फ इसलिए चुना, दलितों, शोषितों, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने सिर्फ इसलिए चुना कि हमारा विधायक जाएगा, हम लोगों की आवाज़ उठाएगा। लेकिन आज मानिया बहन जी का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के मिलने के कारण हम लोगों ने कल अपनी आवाज़ उठाई तो आज मानिया बहन जी ने हम लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। कुल मिला के आपका आरोप है कि सब जो भाजपा है और बसपा है, यानी मायावती और भाजपा मिलजुल कर काम कर जी, ये तो आज माननीय बहन जी ने स्पष्ट कह दिया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के एमएलसी को हराने के लिए हमको चाहे भारतीय जनता पार्टी को वोट तो देना पड़ेगा। जो रुख है वो अखिलेश यादव के प्रति नरम दिख रहा है, क्या आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं और रहेंगे। निलंबित हो चुके हैं सर? निलंबित हैं तो क्या हुआ, हम पार्टी
पार्टी के झंडा बैनर तरह काम करेंगे। हम माननीय मसीहा कांशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नियम और कानूनों पर उनके मिशन पर हम काम करेंगे। वहीं बागी विधायक असलम चौधरी ने सतीश चंद्र मिश्रा पर ही निशाना साधा और एक मूवमेंट को रसातल में ले जाने वाला बताया। को कितनी देर हो गई आए हुए, हमारे चेहरे पे कोई डर देखा? हंस रहे, मस्ती ले रहे, डर नहीं है, एक मूवमेंट है माननीय कांशीराम जी का चलाया हुआ, बाबा साहब के निर्देश के आधार पर चलाया हुआ। वो गरीब मजदूर किसान बुनकर वो सबका मूवमेंट है, वो पार्टी बाद में बनिए पहले मूवमेंट है। आपको लगता है उस मूवमेंट को धक्का पहुंचा? उस मूवमेंट को जो बहन जी के इर्द गिर्द वाले लोग षड्यंत्र कर नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं, हम उस षड्यंत्र के खिलाफ हैं। ये कौन है, उमा शंकर सिंह सतीश मिश्रा पर आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल खुले यही लोग हैं, पहले के नसीमुद्दीन सिद्दीकी वगैरह कह देते थे, बाकी असली यही लोग हैं। उमा शंकर को चूंकि बीजेपी से ठेके पट्टे चाहिए, वो कुछ भी कहेंगे, वो जाके भी मिलेंगे, वो सब कुछ करेंगे बीजेपी वालों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिलेंगे। हम लोग अगर किसी के साथ चाय पी लें, सिगरेट पी लें, तो भी हमारे एलिगेशन लगेंगे। लेकिन सतीश मिश्रा पे भी आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका वो भी जो उनकी जो कार्यशैली है इसकी वजह से पार्टी से आप लोग एक तरह से दूर जा रहे हैं, बहन जी से दूर जा रहे हैं, मायावती से दूर जा रहे हैं। बस पार्टी के अंदर जितने कोऑर्डिनेटर हैं, मेरे पश्चिम में पूरे पश्चिम से अकेला विधायक जीत गया हूँ, जबकि पीछे 2012 में भी 44 विधायक जीत गए थे, आज हम पार्टी से अकेला विधायक जीत गया हूँ। तो कुल मिलाकर मायावती